यहाँ पे देखिए जो अभी रात 3 बज रहा है, जो मतलब फॉग है यहाँ पे, तो काफी मुश्किल हो रहा है गाड़ी ड्राइव करने में भी। यह देखिए, यह देखो गाइस देखो, मतलब जो यहाँ पे इतना फॉग होने की वजह से गाड़ी जो है दोस्त ड्राइव नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों ने डिसीजन नहीं लिया कि थोड़ा सा रुक जाने में फायदा है, तो चाहे 1 घंटा हो या 2 घंटा हम लोग यहाँ स्टे करेंगे। थोड़ा तो नेशनल हाईवे 27 के नजदीक साइड में ही हम लोग थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये फॉग क्लियर ना हो, चाहे सुबह हो चाहे कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। तो रुकते हैं यहाँ पे, फिर से जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो कम्प्लीट वीडियो में आप कम्प्लीट दिखाएंगे क्या है क्या कुछ नहीं है। तो फिर से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी बहुत समय लगा आपका फॉग को क्लियर होने में, बहुत फॉग था जिससे गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल था। तो चलिए पहले फाइनली फिर से जर्नी स्टार्ट हो चुका है। तो आशा करता हूँ वीडियो का बहुत अच्छा लगे आपको। एक और टोल गेट, टोल गेट नंबर कितना है, कितना टोल गेट नंबर कितना था, 3 नंबर ना। गाइस फाइनली हम लोग पहुंचे कूच बिहार, देख सकते हो यहाँ पे कूच बिहार। और यहाँ से मंजिल अभी भी काफ़ी बहुत दूर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे 200 रुपया चाय पीने के लिए, मैं काफ़ी सो गया था, काफ़ी नींद में हूँ, देख सकते हो बहुत सो गया था। और अभी यहाँ से मंजिल स्टार्ट होकर अभी भी बहुत बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तो पूरा पूरा वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यार दोस्त का बहुत कॉमेडी हो गया यार, सब जो दोस्त था जो गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैं जो हूँ ना जैसे वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, लेकिन पूरा रात भर मैं सो गया। तो जैसे चांस मिलता है मैं सो जाता हूँ, तो सबको गुस्सा भी आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, नींद मुझे काफ़ी पसंद है, तो जैसे चांस मिलता है मैं सो जाता हूँ, दोस्त है तो कोई टेंशन नहीं है। गाइस आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इस जगह पे हम लोग जब बाइक राइड पे आए थे तो चाय पिए थे इस जगह पे। वाओ गाइस कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है जर्नी। डीजे बॉय खेलूंगा सारे राज अपने, मैं तुझको दे दूंगा मेरी जान, तूने मुझको पागल मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर, तू माने मेरी जान मैं तुझे जाने ना। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग रुकना पड़ा, तो कैसा लग रहा है जर्नी। और यहाँ रो रहा हम लोग का गाड़ी। तो यहाँ से हम लोग का ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद में फिर से जो है जर्नी फिर से स्टार्ट हो चुका है। अब काफ़ी फ्रेश लग रहा है, लेकिन इतना ये कॉस्टली था खाना, मतलब मत पूछिए यार, घर जैसा खाना कभी नहीं हो सकता, चाहे जितना अच्छा रेस्टोरेंट क्यों ना हो, ढाबा क्यों ना हो। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं धूपगुड़ी, जहाँ पे हम लोग जब बाइक राइड पे आए थे तो वहाँ पे स्टे किए थे होटल में। तो दिखाता हूँ राइट साइड में, तो रुकिए दिखाते हैं एक मिनट। ये रहा धूपगुड़ी, और थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड में जो होटल एक है, मैं ट्राई करूँगा दिखाने के लिए, वहाँ पे हम लोग ठहरे थे एक रात। उसके बाद निकलने के बाद हम लोग का जो गाड़ी वो पूरा ख़राब हो गया था। कहाँ था, वहाँ पे है ना आगे में, हाँ जी, ए रहा वासुदेव गेस्ट हाउस, जहाँ पे हम लोग ठहरे थे एक रात, यहाँ पे ए वाला। नीचे फर्नीचर का भी दुकान है, मतलब वो एक जो मालिक है, वो मालिक यहाँ का नहीं, जितेंद्र कहाँ का है, वो लखीमपुर में कहाँ का है ना, हम लोग का साइड कहीं है। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं क्या बोलूँ, मतलब व्हाट ए लवली एक्सपीरियंस। इसके पहले बार जब हम लोग आए थे तो पूरा बाइक राइड से आए थे, और इस बार ऑन 4 व्हीलर्स, मतलब ये अपने आप में गजब का रिकॉर्ड है मेरे लिए। इतना इजी नहीं है टोल करना इतना दूर, और फिर से ये टोल कट, देखिए कितना टोल कट पार कर रहे हैं, कितना पैसा देना पड़ रहा है भगवान ही जाने। चलिए फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। सिलीगुड़ी पहुंचने से 40 किलोमीटर पहले ये जो रोड है अभी भी मतलब प्रोग्रेस में ही, अभी भी बनाया जा रहा है इसको, लेकिन अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मतलब दिक्कत हो भी रहा है अभी भी। जब हम लोग इसके पहले जब हम बाइक से आए थे तो बहुत दिक्कत हुआ था, आगे से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी उतना भी ठीक कंडीशन में नहीं है, पूरा बनाया जा रहा है इधर में, अभी भी शायद मेरे ख्याल से 1 साल और लगेंगे अभी। क्या लगता है, 1 साल लगेगा ना, 1 साल लगेगा ना। और ये रहा तीस्ता रिवर ना गाइस, ये रहा आपका तीस्ता नदी, जो तीस्ता रिवर जो मिलता है किताब में, ये रहा काफी बड़ा है।
गाइस 550 किलोमीटर चलाने के बाद में दोस्त चेंज किया है, अभी ड्राइवर चेंज हुआ है, दूसरा दोस्त चालू है अभी। मजा वे टू ड्राइव बिहार ना। सो ए बिग थैंक यू टू जे के शर्मा फॉर ड्राइविंग फ्रॉम असम टू बेंगल। वाओ लुक एट दिस, और 10 घंटा और, क्योंकि अभी भी 10 घंटा अभी और ड्राइव करना है, तो हवा चेकिंग करना भी ज़रूरी है। तो गाइज इतना दूर जर्नी करना है, तो गाड़ी का जो थोड़ा सा वो जो कम था वो थोड़ा कमा हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लियर कर दिया। और हम लोग फिलहाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, दार्जिलिंग यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है वो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ से फिर से भी थोड़ा सा रेस्ट, एक घंटा रेस्ट लेके फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे अप टू पटना बिहार। गाइस फिर से यहाँ थोड़ा रुकना पड़ा क्योंकि गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, इतना दूर हम लोग नॉन स्टॉप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा रुकेंगे ठीक नेशनल हाईवे 27 के नज़दीक में थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे, और यहाँ से जब जर्नी स्टार्ट करेंगे तो पूरा डायरेक्ट बिहार बॉर्डर डायरेक्ट एंटर करेंगे, तो कम्प्लीट उसके बाद आएगा वेलकम टू बिहार, तो पूरा दिखाएंगे जर्नी बने रहिएगा। ये देखिए भाई साहब, गाड़ी को अगर रेस नहीं दीजिएगा तो ये हाल होगा, थोड़ा सा रेस देना भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा रेस देना ही पड़ेगा। यार और कितना टोल गेट आएगा, टोल गेट का टोल देते देते हम लोग का हालत ख़राब हो गया है। एक देखिए एक और टोल गेट, ओ माय गुडनेस। अगेन आवर जर्नी स्टार्ट्स, और अब हम लोग कहाँ रुकेंगे, डायरेक्ट बिहार, वे टू बिहार है बिहार, बी रेडी बिहार। गाइस ठीक नेशनल हाईवे 27 के नज़दीक फिर से हम लोग को यहाँ रुकना पड़ा क्योंकि काफ़ी भूख लगा हुआ है, पेट पूजा करना भी ज़रूरी है, जितना बड़ा ये जर्नी है उतना पेट पूजा भी ज़रूरी है। तो सामने ही है आपका एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना खाएंगे, खाना खा के सीधा जर्नी स्टार्ट करेंगे और डायरेक्ट रुकेंगे डायरेक्ट बिहार में, तो कम्प्लीट जर्नी दिखाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको एक चीज़ नहीं दिखाया था, मैं जर्नी जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो क्या क्या सामान लिए थे वो दिखा देते हैं, थोड़ा सा उतना देखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये ट्रॉली जो देख रहे हो ना, एक दोस्त का है, देखो पूरा ट्रॉली उठा लिया, दो दिन क्या लाया है सर, पूरा ट्रॉली उठा के लिया है। और ये सब कुछ बैग है, सब छोटा छोटा बैग है, कैमरा है। और हम लोग ने सबसे काम क्या किया, क्योंकि रात में ट्रेवल करना था तो पानी एक कार्टन हम लोग ले लिया, क्योंकि भाई रात को प्यास लगा तो कहाँ से पानी ढूंढेंगे हम लोग। प्रॉब्लम ये था कि एक दोस्त है संजय, इसको लाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि घर का जो लोकेशन है ना बहुत बेकार है, गजब बेइज्जती है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे पूरा एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका घर जो है ना बहुत बेकार जगह पे है, वहाँ लाना बहुत काफ़ी मुश्किल होता है। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से जर्नी जो स्टार्ट करेंगे सीधा रुकेंगे बिहार में, तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। यार सोच रहा हूँ जितना हो सके हम लोग नॉन स्टॉप चल जाए बिहार, लेकिन इतना भूख लग रहा है यार मत पूछो, तक खाली खाना और रुकना और जस्ट चलते रहना। यार हो सके तो यार पुराना कोई गाना लगाओ ना, यार पुराना गाना सुनने का बहुत मन कर रहा है, लगाओ। गाइस फाइनली हम लोग बिहार में एंटर कर चुके हैं, ये रहा किशनगंज, बिहार का किशनगंज। तो यहाँ से बिहार का बॉर्डर स्टार्ट होता है, मतलब वेस्ट बंगाल को हम लोग अब छोड़ चुके हैं, अब बिहार में बिहार डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्ट एंटर कर चुके हैं यहाँ से। तो हम लोग अभी मंजिल अभी भी बहुत दूर है, लगभग 350 किलोमीटर है यहाँ से अभी भी, तो काफ़ी अभी भी 8 घंटा का जर्नी अभी और बाकी है। तो गाइस ये रहा आपका पूर्णिया बिहार, ये चार लीजिए पूरा ही चार लीन छः लिए पे। गाइस मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखना जब भी आप बिहार में एंटर करोगे ना तो यहाँ शराबबंदी पूरा सारा पूरा बंद है, कभी भी गलती से भी यहाँ पे शराब पीना तो दूर की बात, एक गलती से भी रखना भी मत वाइन कुछ भी, क्योंकि गजब का चेकिंग चलता है यहाँ पे। हम लोग बहुत लकी है, ऐसा दोस्त है कि कोई यहाँ पीता भी नहीं है, बहुत दूर का बात है तो गाड़ी में मिलेगा कहाँ से, तो पूरा चेकिंग चला है सारा दोस्त का, पूरा गाड़ी भी पूरा छानबीन किया लेकिन कुछ नहीं मिला, तो पुलिस लोग भी तारीफ किया है, वाह ऐसे ही जर्नी करना चाहिए आप लोगों को, तो थैंक यू बोला। तो चलिए सीधा ले चलते हैं पटना, बस जस्ट थोड़ा चेकिंग करा था, थोड़ा सा डर भी लगा था, लेकिन डर किस जब जीता ही नहीं हुआ कुछ है ही नहीं, तो किस चीज़ का डर है। सीधा देखिए रास्ता कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिहार का रूट कैसा है जरूर बताना, आगे से बहुत इंप्रूव हुआ है, आगे का जो रोड था वो ठीक नहीं था लेकिन अभी बहुत इंप्रूव हो गया। चलिए दिखाते हैं आप। तो यहाँ से जो है देखिए वन वे हो चुका है बिहार में, तो यहाँ पे गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल है, तो बहुत स्लोली गाड़ी चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिहार का भी सिस्टम बहुत अलग होता है, यहाँ पे कुछ दिक्कत होता है वही दिक्कत हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं, शाम भी हो रहा है,
तो अभी भी हम लोग को बहुत समय लगेगा, तो अभी लगता है जो भी समय लगना था अभी और थोड़ा बढ़ जाएगा 2-3 घंटा। अब कितना बजे समेंगे उसका कोई समय समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी देखते रहिए। गाइस पूरा शाम हो चुका है, अभी कहाँ पहुँचे बिहार में मुझे कुछ पता नहीं है इस जगह पे। अभी नेट पे भी सर्च करने का मन नहीं कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो हाल हुआ ना पूरा बेहाल हो गया है गाड़ी में बैठ बैठ के, ठीक है। सब पूर्णिया बोलते हैं जगह पे, पूर्णिया मतलब पूर्णिया पार करके हैं, पर पूर्णिया से 50 किलोमीटर आगे हैं अभी, तो पूर्णिया से निकलेंगे। अभी भी हम लोग को 5 घंटा भी और ट्रेवल करना है, तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, सोचा भी नहीं था इतना समय लगेगा। तो चलिए यहाँ से तो चाय पी के थोड़ा सा ब्रेन को थोड़ा फ्रेश करेंगे, फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये कम्प्लीट बिहार देख सकते हो, ये बिहार दिखाएंगे आपको क्या है, रोड कैसा नहीं सब दिखाएंगे आपको।